बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कितनी शर्म की बात है आता पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के, घंटा बज गया हमारा, आईसीसी ने भी हमारा पकड़ के बजा दिया ना। पहले तो देखो, पहले एशिया कप में इंडिया ने बजाया, फिर अफगानिस्तान ने बजाया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बजाया, न्यूजीलैंड ने बजाया, अभी आईसीसी ने पकड़ के भी ना पाकिस्तान का घंटा बजा दिया, पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बजा दिया। कितनी शर्म की बात है कि आईसीसी टीम ऑफ द ईयर आई है, जिसमें ईयर आई है जिसमें T20 की, वनडे की और टेस्ट की टीम आई है, और तीनों टीमों में कोई भी पाकिस्तानी घंटा शामिल नहीं है। मतलब आईसीसी की जो टीम ऑफ ईयर आई है 2023 की, उसमें आपके चहेते घंटे के कोई भी फैन नहीं है, कोई भी घंटे का किंग नहीं है अंदर। अब जरा मैं बताता हूं आपको, देखो 2023 आपका इतना बुरा गुजरा है, इतना बुरा गुजरा है कि हर बंदे ने आपका पकड़ के घंटा बजाया है। अब तो आईसीसी ने भी बजा दिया है, नहीं आए आप अंदर आईसीसी की किसी भी टीम में। इंडियन पता है कितने हैं उसमें बेटा? 12 इंडियंस हैं, इंडिया के प्लेयर 12 प्लेयर हैं, तीनों टीमों में मिला के उनके 12 प्लेयर बनते हैं। 6 प्लेयर उनके बन रहे हैं वनडेज में, और 4 प्लेयर उनके जो है वो T20 की टीम में, और 2 प्लेयर उनके टेस्ट में है, और 2 प्लेयर उनके व्हाइट बॉल जो है, व्हाइट बॉल उनके ही प्लेयर लीड कर रहे हैं, कप्तान दोनों उनके हैं। बताता हूँ ना कौन से हैं। आपके घंटे क्यों नहीं आए मुझे ये बताओ मेरे घंटे के फैंस, बता ना सोनू पीली चप्पल क्यों नहीं आया तेरा, बाबर बॉब्जी दी किंग क्यों नहीं आया किसी टीम में, शहीन दी ईगल वो टेपिया क्यों नहीं आया, वो जो इसको कहते हो 150। ओ भाई मैं भी आपको अभी मैं इनका बजाने लगा हूं, देखो ना अभी बजाते हैं पकड़ के भाई, हम नाम लेके बजाते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं वनडे से। वनडे में भाई जो टीम आई है उनका कप्तान है रोहित शर्मा। मैंने क्या बोला था आपको पहले दिन से कि वनडे वर्ल्ड कप में पैट कमिंस से ज्यादा अच्छी कप्तानी रोहित शर्मा ने की थी, ये बात मैंने उस टाइम बोली थी और ये बात आपको नजर आ गई है। पैट कमिंस अगर था कप्तान तो इधर होता नहीं है बेटा, रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान रहे 2023 में, और ये चीज आपको टीम में नजर आ गई है। रोहित शर्मा शुभमन गिल दोनों ओपनर इंडिया के हैं आईसीसी की टीम में, उसमें उसके बाद ट्रेवस सैड आ जाते हैं, उसके बाद हम सबके दिलों की जान किंग कोहली भाईजान चौथे नंबर पे आ जाते हैं। नो डाउट विराट कोहली ने जो वनडे वर्ल्ड कप में रन कर दिए हैं, कि एडिशन में किसी का अब्बा भी अगर किसी ये रिकॉर्ड तोड़ सका ना आगे तो मुझे बता देना जरा आगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर डैरल मिचल, क्लासन, मार्को जैनसन, एडम जैम्पा, और तीनों जो एंड पे बॉलर्स हैं उनमें मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। मतलब इसमें वनडे की टीम में 6 इंडियंस हैं, दोनों ओपनर इंडिया के हैं, विराट कोहली हो गए 3, और 3 उनके बॉलर हैं सिराज, शमी और कुलदीप यादव। इस टीम को लीड कौन कर रहा है? रोहित शर्मा। ओ वनडे नंबर 1 रैंकिंग घंटे का किंग किधर है बेटा? बॉब्जी दी किंग किधर है? आप कहते हो ना वनडे का वो बेस्ट प्लेयर है, आप ही कहती हो ना घंटे का फैंस कहते हैं, बाबर आजम वनडे का इस टाइम दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, किधर है? किथे वे अच्छे नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा भाई। घंटे ने नेपाल के खिलाफ 151 तो किए थे, वो काउंट नहीं हुए। घंटा नजर नहीं आ रहा आपका, किधर गया आपका बॉब्जी घंटा? फिर वो कहते हो शाहीन अफरीदी जी वनडे का बड़ा जबरदस्त बॉलर है, किथे गया है? नजर नहीं आ रहा मनु, किथे वे नहीं है? उतर होना भी नहीं था ना, जिस तरह की आपने पार्टी परफॉर्मेंस दी थी ना बेटा, मैंने तो बजाया आपको पकड़ के, और आपको आप डिजर्व भी करते हो। एंड पे आपने देख लो जो पूरे साल का रिजल्ट आया, उसमें आप तीनों टीमों में नहीं हो, घंटा घंटा बच चुका है आपका। अब आ जाते हैं T20 टीम, टेस्ट की टीम पे, T20 की टीम। चले पहले T20 को कर लेते हैं ना, क्योंकि उसमें भी व्हाइट बॉल को पहले करते हैं। सूर्या कुमार यादव कप्तान, यशस्वी जायसवाल फिर इंडिया के, देख लो भाई बड़ा, देखो बड़ा नाम रोहित शर्मा, बड़ा नाम विराट कोहली, ये अब आ जाते हैं छोटे नामों पे। अब आ जाओ PSL IPL के काम पे, IPL का टैलेंट है भाई जायसवाल T20 क्रिकेट में, कितने गए PSL के टैलेंट, बच गया घंटा उनका बेटा, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, जायसवाल, फिल साल्ट, निकलस पुरान, मार्क चैंपियन, सिकंदर रजा,
उसके बाद एल्पेश रामजानी, मार्गडेर, रवि बिश्नोई, अभी 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 उसको कितना का टाइम हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है। तो भाई देख लो, फिर आईपीएल का लेवल देख लो, इंडिया का यंग टैलेंट देख लो, आईपीएल को छोड़ इंडिया का यंग टैलेंट देख लो भाई। आईसीसी की टीम में वो भी है, वनडे में शुभमन गिल है, इधर जो है वो आप कह लो कि जो है वो अल्पेश रामजानी, उसके बाद सॉरी मैं क्या क्यों, इधर अगर आप मैं बता दूं आपको, इधर सूर्या कुमार यादव है, यशस्वी जायसवाल है, उसके बाद आपको रवि बिश्नोई मिलेगा, उसके बाद आपको अर्शदीप सिंह मिलेगा, रिचर्ड नगारवा। अब शर्म कर लो थोड़ी सी भाई, जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, मतलब जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं आईसीसी की टीम में। मतलब आप, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं ना, आयरलैंड के प्लेयर हैं आईसीसी की टीम में, जिम्बाब्वे के प्लेयर आईसीसी की टीम में, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आईसीसी की टीम में, जो वर्ल्ड कप ही नहीं खेले हुए, हमारे नहीं है, किसी एक में भी नहीं है। आयरलैंड की टीम का प्लेयर है, जिम्बाब्वे के दो तीन प्लेयर हैं T20 में, हमारा एक भी नहीं है। किधर गया वो आपका बुलेट रिजवान, वो लिपस्टिक, किधर गया वो आपका लिपस्टिक, किधर गया लिपस्टिक आपका बेटा, लिपस्टिक वड़ गया, बज गया घंटा लिपस्टिक का, अलग बेटा परफॉर्म करना पड़ता है। किधर गया आपका फखर जमान, शाहीन अफरीदी, चलो T20 आप खुद कहते हो ना हमारी T20 की बड़ी टीम है, इंडिया को हरा देगी, मेरा घंटा हराएगी, प्लेयर नहीं है आपका यार, इसमें भी प्लेयर नहीं है ना। होता तो आता नजर, दो तीन जिम्बाब्वे का प्लेयर है, इंडिया के चार प्लेयर है, इसमें भी टीम इंडिया का भाई सूर्या कुमार यादव लीड कर रहा है, व्हाइट बॉल में भी रोहित शर्मा लीड कर रहा था, आप तो बच गए उधर भी, मतलब 10 प्लेयर हो चुके हैं व्हाइट बॉल में, इंडिया के 10 प्लेयर हैं। अब टेस्ट पे आ जाते हैं, टेस्ट में भी इंडिया के दो प्लेयर हैं, इसमें उस्मान ख्वाजा और कुररत्ने जो है वो ओपन कर रहे हैं। देख लो श्रीलंका का प्लेयर भी आपका नहीं है, केन विलियमसन, जोए रूट, ट्रेवस हेड, रविंद्रा जडेजा भाई, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, रविचंद्रन अश्विन, मिचेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड। देख लो फिर भाई, उनके दो बेस्ट ऑलराउंडर, उनके दो बेस्ट स्पिनर, वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स दोनों हैं, मतलब आप अंदाजा लगा लो इनका। अब बताता हूं ना मैं इनको, किधर गया वो आपका बॉब्जी, किथे गया कंटे दा किंग, किधर गया, किधर है ये, नहीं मेरी बात सुनो, किसी एक टीम में, किसी एक टीम में एक भी प्लेयर नहीं है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं वो सिकंदर रजा, रिचर्ड नगारवा, उनके प्लेयर हैं, आयरलैंड का मार्क डेर है, पता नहीं अल्पेश राम जानी कौन सा, किस कंडमंडू से पता ही नहीं हो कि कंट्री का प्लेयर है, भावे वो यूएसए का वे, वो है, हम नहीं है। और हाँ, हमारी बातें सुन लिया करो बस, के जी हम तो जी 30 मार खान है, हमारे पास बॉब्जी किंग है, हमारे पास आरएस रऊफ टेपिया है वो 150 फेंकता है, हमारे पास शाहीन अफरीदी है वो जी वो ये है तो वो है जी, वो मोहम्मद सिराज से बेहतर है वो जी, कुलदीप यादव तो कख भी नहीं है। यार आप खुद कहते हो ना कि यार हमारे पास T20 की बेस्ट साइड है, हमारे पास T20 की जी डिस्ट्रक्टिव साइड है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ओपनिंग जोड़ी, ये भाई किधर हो, किधर हो आप। वो जसवाल आ गया है अभी, उसने कितने को T20 खेले हैं भाई, 10 मैच में उसके उसके T20 होंगे। वो लड़का आ गया अभी, यंगस्टर अभी, तो वो अभी उसने अपने कदम रखे हैं, बस वो आ गया, आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए, घंटे हो आप नहीं आए, कब आओगे, कब आओगे, कभी भी नहीं आओगे, एक्सपोज हो गए हो, बहुत बुरा गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2023, बहुत गंदा गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2023। आई थिंक तकरीबन सब ने हमारा घंटा बजाया, एशिया कप, वर्ल्ड कप, सब नहीं बजाया। हम T20 में आना कैसे था, जब किया ही कुछ नहीं तो आओगे। T20 में आपका तो अफगानिस्तान ने बजाया हुआ है वनडे, सॉरी सीरीज में, आपके पीएसएल को, पीएसएल के टैलेंट को ठोका था उन्होंने उधर भाई। जिस दिन पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू करोगे ना, उस दिन आपका हर टीम में नाम आएगा, वो बंदा अपनी कंट्री के लिए खेलता है, आया नाम,
वो बंदा कंट्री के लिए खेलते आया नाम, वो बंदा कंट्री के लिए खेलते आया नाम, वो बंदा कंट्री के लिए खेलते आया नाम। आप गनी आए, शेम ऑन यू, शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी, अगर बच गया तो। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।